हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आइए इस वीडियो में हम करेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पिछले वीडियो में हमने टोटल फिक्स कॉस्ट कर लिया था, अब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। अब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये पूरा पूरी कनेक्शन रखता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, जो हमने प्रोडक्शन चैप्टर में किया था। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? दिस इज, तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ा था फिक्स कॉस्ट क्या है, है ना, ये पढ़ा था हमने। तो अगर आपको इसकी वीडियोस, इसके ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना, तो आपको इसके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे टर्म जो ध्यान देना है आपको, वो वेरिएबल पे ध्यान देना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसके जो बढ़ने का, चेंज होने का पैटर्न है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले हम समझते हैं क्या है वेरिएबल कॉस्ट में। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम समझें, तो ये इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। अगेन, फर्स्ट, दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन अक्वायरिंग the variable factors of production. Variable factors क्या था? They were production में क्या था? दो type था ना short run में, fixed factors and variable factor. Variable factor में labor था, याद है? So these are the costs which are incurred on acquiring the variable factor of production. Variable factor में labor, raw material आता है. These are the costs which changes with the change in output. तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको दो चीज़ ध्यान देना है, चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, कि दोनों लिखना पड़ेगा आपको। ये भी, दैट दीज आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन अक्वायरिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आर द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में रॉ मटीरियल, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, आप ज़्यादा रॉ मटीरियल लाओगे तो रॉ मटीरियल का कॉस्ट चेंज होगा, है ना। वेजेस, याद रहे मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि जो सैलरी है वो फिक्स कॉस्ट है, जो वेजेस है वो वेरिएबल कॉस्ट है। सैलरी हम फिक्स पे करते हैं, हर महीने पे करेंगे, फिक्स सैलरी पे करेंगे। जो वेजेस है वो डेली बेसिस पे होता, आज काम करो आज लेके जाओ, है ना। तो वेजेस जो है वो वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए क्योंकि आउटपुट जब बनाएंगे तभी तो हम वेजेस पे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर चार्जेस, पावर इज अगेन अ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज आप जितना यूज़ करेंगे, जितनी प्रोडक्शन करेंगे, उतना पावर कंजम्पशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पावर कॉस्ट होगा। तो आप जब देख रहे हो कि ये सब आउटपुट जो है वो, ये सब जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंडिचर आप इनकर कर रहे हैं रॉ मटेरियल पे या वेजेस पे या पावर पे, ये जो है ये आउटपुट के चेंज होने से चेंज होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आई होप दिस इज क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये कॉस्ट कर्व कैसे चेंज होता है, है ना। तो आउटपुट जो है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आउटपुट कौन सा है भाई? आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज आई सेड विल चेंज विद द चेंज इन आउटपुट, लेकिन इसके ना चेंज होने का पैटर्न समझो। जीरो में जीरो है, तो सिंस जीरो में ये जीरो है, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने बताया था वो ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट नहीं होता है बिकॉज जीरो में भी उसको इनकर करना पड़ता है, लेकिन इसको हम जीरो में, सिंस वी आर नॉट इनकरिंग दिस, सो ये जीरो में जीरो रहेगा। जैसे जैसे आउटपुट बढ़े वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है। तो 1 में 20, देन 36, देन 47, देन लेट्स से 56, 65, 80, 105 एंड 136। अब एक चीज समझो कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। यहाँ हो ये रहा है, यहां पे हो ये रहा है कि पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है। यहां कितने से बढ़ा? 20 से। यहां कितने से बढ़ा? 16 से। फिर कितने से बढ़ा? 11 से। फिर कितने से बढ़ा? 9। फिर कितने से बढ़ा? 9। मतलब यहां से लेके यहां तक इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट में क्यों बढ़ रहा है वो समझेंगे हम, डेफिनेटली समझेंगे। फर्स्ट समझते हैं कि क्या हो रहा है, फिर समझेंगे जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट। तो पहले डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा, है ना। अब डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने का मतलब बढ़ रहा है, बट आगे बढ़ते बढ़ते ये गैप कम होते जा रहा है, स्पीड कम होते जा रही है। पहले बढ़ा 20 से, फिर बढ़ा 16 से, फिर 11, 9,
नो. तो जब कोई चीज बढ़े बट गैप कम होते जाए उसको हम कहते हैं इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. तो यहां से यहां इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट. और उसके बाद फिर देखो, फिर ये गैप कितने का है, 15. फिर ये गैप कितने का है, 25. ये गैप कितने का है, 31. इसके बाद इट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट बिकॉज गैप बढ़ रहा है. जब भी कोई चीज बढ़े और गैप बढ़ता जाए उसको बोलते हैं इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. जब भी कोई चीज बढ़े बट गैप कम होता जाए उसको कहते हैं इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट. मतलब कोई चीज बढ़े और बढ़ने का जो इंटेंसिटी है, पहले थोड़ा सा, फिर और आगे, फिर उससे और आगे, जब ये गैप बढ़ता जाए, स्पीड बढ़ता जाए, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. ठीक है. तो यहां पे इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट. तो पहले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने का पैटर्न को पहले समझो. क्या पैटर्न है? फर्स्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ठीक है. तो अब हम अगर समझें इसको, अगर हम अब इसको हम समझें, तो ये कर्व का शेप क्या होगा. देखो क्या है ना, एक चीज ध्यान से समझ लो. क्या समझो? कि जब भी एक्स एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से, यहां हम लिखते हैं आउटपुट और यहां लिखते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट. याद रहे, जब आप ग्राफ बनाओगे आउटपुट और मतलब जब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के वेरिएबल को मेंशन नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, रादर जीरो मिलेंगे, भले ही आपका ग्राफ सही हो. सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन. चलिए इसको पहले ओरिजिन से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना. इसको पहले ओरिजिन से स्टार्ट कर लेते हैं. ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो पहले कैसे बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट पे. डिमिनिशिंग रेट में बढ़ने का मतलब जब आउटपुट के बढ़ने से, जब एक्स एक्सिस के वेरिएबल के बढ़ने से वाई एक्सिस का वेरिएबल डिमिनिशिंग रेट में बढ़े तो कर्व क्या होता है, फ्लैट होता है. वी ऑल नो दिस, है ना. ये हमने प्रोडक्शन में भी किया था कि जब जब आउटपुट के बढ़ने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा तो वो फ्लैट होगा. डिमिनिशिंग रेट में बढ़ना मतलब फ्लैट कर्व होता है, इंक्रीजिंग रेट में बढ़ना मतलब स्टीप होता है. तो पहले ये डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट के. पॉइंट के तक इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड हेंस इट्स अ फ्लैट कर्व. और पॉइंट के बाद इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, सो हेंस इट्स अ स्टीप कर्व, है ना. ये ग्राफ के फंडामेंटल्स है. मैंने प्रोडक्शन चैप्टर में भी समझाया था आपको कि जब कोई इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है तो वो स्टीप होता है, डिमिनिशिंग रेट में बढ़ता है तो वो फ्लैट होता है ना. लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसा है, फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट तो पहले फ्लैट है, देन इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट तो वो स्टीप है. तो क्या शेप बना, इन्वर्टेड एस शेप. टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज एन इन्वर्टेड एस शेप का. और इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब बढ़ता है तो फर्स्ट इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड द एक्स एक्सिस. देखो पहले फ्लैट है तो इंक्लाइन टुवर्ड द एक्स एक्सिस एंड देन मोर इंक्लाइन टुवर्ड द वाई एक्सिस. स्टीप हो गया तो वाई एक्सिस से इंक्लाइन हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं. ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज फर्स्ट कॉन्केव टू द एक्स एक्सिस एंड देन कॉन्केव टू द वाई एक्सिस, ऐसे भी समझ सकते हैं. लेकिन जनरली इसको इन्वर्टेड एस शेप्ड कर्व कहते हैं. क्यों इन्वर्टेड एस? Because first it is increasing at a diminishing rate and then increasing at an increasing rate. अब सवाल ये उठता है कि पहले ये diminishing rate में क्यों बढ़ता है और बाद में increasing rate में क्यों बढ़ता है. चलिए इसको हम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझेंगे. We know that law of variable proportion में, law of variable proportion जिसको returns to a factor भी कहते हैं, law of variable proportion में एक चीज हमने समझा था कि in the first stage the लेबर becomes cheaper, है ना. फर्स्ट एपी बढ़ता है, फर्स्ट स्टेज में एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो क्या होता है, लेबर सस्ता होता है. और लेबर सस्ता होगा तो क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स. ठीक है. देखो अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक बहुत सिंपल, एक सिंपल लैंग्वेज में और बहुत दिमाग में एक इमेज बैठानी है कि वो क्या है, वो बताता है कि फर्स्ट स्टेज में लेबर becomes cheaper सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स, सेकेंड स्टेज में लेबर becomes expensive सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस. खत्म. तो अगर आप इसको समझना चाहते हो, लेकिन अब हम समझते हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम और क्या समझ सकते हैं. व्हाट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट? इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमने प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि वेरिएबल फैक्टर क्या है, मेजर लेबर है. तो कैन वी से दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड वी नो दैट वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर. तो कैन वी से दैट टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट इनकर्ड ऑन लेबर, सो हेंस इट इज अ टोटल लेबर कॉस्ट. एग्जाम में लिख के नहीं आना है आपको, ये बस मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि आपको ये समझ आ सके. तो वेरिएबल फैक्टर इज लेबर, सो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट की जगह टोटल लेबर कॉस्ट बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है,
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको रिटर्न्स टू अ फैक्टर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा आपको। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेबर सस्ता होता है। फर्स्ट स्टेज में लेबर सस्ता होता है, वी ऑल नो एपी इज राइजिंग, लेबर इज बिकमिंग चीपर। अगर लेबर सस्ता होगा तो टोटल लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ेगा। जब लेबर ही सस्ता हो रहा है तो टोटल लेबर कॉस्ट तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आउटपुट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल लेबर कॉस्ट, हम अभी टोटल वेरिएबल कॉस्ट को टोटल लेबर कॉस्ट लिख रहे हैं। पहला आउटपुट बना, उसका लेबर कॉस्ट जो लगा वो लगा लेट्स से 20 रुपीज। तो पहले फर्स्ट आउटपुट को बनाने में जो लेबर कॉस्ट लगा वो कितना लगा, 20 रुपीज। तो टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया भाई, 20 रुपए दिए। सेकेंड आउटपुट को बनाने में, सिंस वी आर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, थोड़ा कम लगा होगा क्योंकि एपी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तो लेबर सस्ता होता है, लेबर सस्ता होगा तो ये कितना हो जाएगा, जैसे सेकंड के लिए कितना हो गया 15, है ना, लेबर सस्ता हुआ तो मेरा आप टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट के लिए 20 दिया, सेकंड के लिए 15 दिया, टोटल बिकम्स 35। ठीक है, थर्ड आउटपुट के लिए लेबर और सस्ता हो गया, वी आर इन द फर्स्ट स्टेज, रिमेंबर फर्स्ट स्टेज में एपी बढ़ता जाएगा, लेबर सस्ता होता जाएगा, तो दिस बिकम्स टोटल बिकम्स व्हाट, 45। फोर्थ आउटपुट और सस्ता हो गया, लेट्स से 5 रुपए, तो लेबर बिकम्स 50। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज, जैसे जैसे आउटपुट हम ज्यादा बना रहे हैं फर्स्ट स्टेज में, द लेबर इज बिकमिंग चीपर बिकॉज एपी इज राइजिंग, एंड जब लेबर सस्ता हो रहा है तो टोटल लेबर कॉस्ट में कम कम ऐड होगा तो टोटल लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, बिकॉज हर एक में एडिशन जो हो रहा है वो कम कम हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब मान लो कि यहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म होता है, अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लेबर महंगा होना चालू हो जाएगा। तो लेट्स से फिफ्थ लेबर का कॉस्ट हो गया 10 रुपीज, है ना, फिफ्थ आउटपुट का लेबर कॉस्ट 10, सिक्स्थ आउटपुट का लेबर कॉस्ट 15। अब धीरे धीरे सिंस एपी हैज स्टार्टेड फॉलिंग, द लेबर विल स्टार्ट बिकमिंग एक्सपेंसिव, तो अब ज्यादा ज्यादा ऐड होगा, 50 में 10 ऐड हुआ तो कितना हो गया 60 में 15 ऐड हुआ तो कितना हो गया 75, लेट्स से सेवेंथ के लिए ये 20 था तो ये कितना हो जाएगा 85। तो व्हेन ये मेरा फर्स्ट स्टेज है, ये मेरा सेकंड स्टेज है, सो व्हेन बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेज लेबर इज बिकमिंग चीपर, सो टोटल लेबर कॉस्ट विच इज माई टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, कितने से बढ़ा 15, फिर 10, फिर 5, क्योंकि टोटल में एडिशन कम कम हो रहा है। उसके बाद जब सेकेंड स्टेज में लेबर सस्ता महंगा होता गया तो टोटल लेबर कॉस्ट में ज्यादा ज्यादा ऐड होता गया, तो ज्यादा ज्यादा ऐड होता गया तो वो इंक्रीजिंग रेट में बढ़ा, तो यहाँ पे वो डिमिनिशिंग रेट में बढ़ा तो फ्लैट था, यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ा तो वो स्टीप था। तो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर्क्स। तो आपको ये समझना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई इज इट एन इन्वर्टेड एस शेप कर्व, व्हाई फर्स्ट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजिंग रेट, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन द फर्स्ट स्टेज of the law, when AP is rising and labor is becoming cheaper, the cost of production falls and total variable cost increases but at a diminishing rate. Or later kya ho raha hai, wo labor is becoming expensive so increasing at an increasing rate. I hope the total variable cost ka concept is clear to everybody, and if you are liking the video please don't forget to share with your friends. Thank you so much, keep watching, keep learning, bye bye, take care.